जी हाँ दोस्तों, आज दूसरा दिन है और आज हम जाने वाले हैं सोम आइलैंड पे। ये देखिए, आज पूरा दिन धूप निकली हुई है तो आज शायद हम थोड़ा ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो भाई के एक्साइटेड छो सोम आइलैंड जवा माटे? फुल एक्साइटमेंट है, फुल एक्साइटमेंट है। कौन कोनी वेट करो छो? चलो निकलिए। एज यूजुअल खबर छे ने कोनी वेट करिए, वर्षों थी वो लोग वेट करता आवे से, वेट करी थी आपणे। तो आज डे टू है और आज हम पहुंच गए हैं सोम आइलैंड पे। आप देख रहे हैं कि आज धूप निकली हुई है और घूमने को सबको मज़ा आएगा। दूसरी गाड़ी की भी आ रही है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे लोग ने स्वच्छता कैसी रखी है। आए दिन हम इंडिया में भी, अभी तो लोग सुधर गए लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जब घूमने जाते हैं तब थोड़ा कचरा वहाँ पे डालते हैं। इतनी क्लीन रखी हुई है यहाँ पे, सब कुछ क्लीन है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि वहाँ पे वो सोम आइलैंड दिख रहा है, वहाँ से फेरी आएगी अभी आधे घंटे में और हम लोग फेरी में वहाँ पे जाने वाले हैं। और आगे का वीडियो हम वहाँ पे सोम आइलैंड पे आपको दिखाते हैं। तो अब हमारी फेरी आ चुकी है और चलो अभी हम चलते हैं। How are you, buddy? Good, good man. How are you? How was the day going today, bye? Oh man, how are you? Where are you from, brother? So dear viewers, we're going to Soms Island, which is located behind me. Sound there. Have you been before? No, I haven't. I'm just going for the first time. You are alone today? No, I'm with my wife. Oh, hello. What's her name? I think that there is a couple of Indian women here. Hello, how are you? I think so. That's Phil over there alone. Hi, man. How are you? I'm good, man. It's good, good. Where are you from? I'm from India. Okay. When you came here? 2 weeks ago. 2 weeks ago. Okay. Yep. What are you doing here? I'm exploring New Zealand. Okay. All good. तो हम लोग बोट में बैठ गए हैं। ऑलमोस्ट 2 layers की ये क्रूज है। ये है उसका टॉप फ्लोर। अभी हम जा रहे हैं बॉटम फ्लोर पे, जहाँ पे ऑलरेडी सब लोग जा चुके हैं। ये पूरा स्पेशियस क्रूज है। देखो, किसी एंगल से हमको लगता नहीं है कि ये क्रूज है। और ये क्रूज का बिजनेस क्लास है वहाँ पे। मयूर, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ओवरऑल देखें तो बहुत बढ़िया रहा और देखने में लग रही है कि फिर ब्रांड न्यू है। तो ये कितने बजे चलेगी? बस अभी 5-10 मिनट में निकलेगी और शायद गेट पे आएंगे। मनीष टू गेट पे आएंगे। और तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, स्नैक्स, ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, कॉफीज, लॉलीज, ये बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया व्यू है। मित्र आपड़े यहाँ जो रहा है, आपड़ा मित्र बधा यहाँ आवी गया छे फेरी में बेसवा। अने वेदर आजे એટલું મસ્ત છે ને કે તમે જોઈ શકો છો, આટલું સની અને વિન્ડ વગરનું વેલિંગ્ટનમાં વેધર તમારે મળવું ને બહુ થોડું ક્રિટિકલ અને ડિફિકલ્ટ છે, પણ આજે આપણા ગુડ લક છે। એ પૂરા રેડિયો કા રડાર હે। देखिए, यहाँ पे लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, छुट्टियाँ चल रही है इसीलिए सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और अभी ये हमारी क्रूज चल पड़ी है सोम आइलैंड की ओर। मैंने खास आपके लिए ये वीडियो बनाया है कि देखिए कैसा व्यू आता है कैप्टन की केबिन से। हाउ इज द जोश?
तो ये देखिए अभी हम पहुंच गए हैं सोम आइलैंड पे। अंदर एंटर होने से पहले इंडक्शन होगा, सो यहाँ पे इंडक्शन होगा। तो ये आइलैंड में एंटर होने से पहले सभी का इंडक्शन होता है। ये लोग हमको इंट्रोड्यूस करते हैं कि यहाँ पे हमको क्या क्या सावधानी बरतनी है, कौन सी चीज़ हम ले जा सकते हैं, और वहाँ से कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लेके आने हैं जो यहाँ आके हमको दिक्कत हो। तो ये पूरा आइलैंड उन लोगों ने बहुत सालों से संभाल के रखा है, इसीलिए इंडक्शन कंपलसरी है। वो बैग में भी हमको चेकिंग करेंगे कि कोई हम ऐसी वैसी चीज़ कैरी करके नहीं जाते हैं कि जो आगे जाके वहाँ पे आइलैंड पे दिक्कत हो। हम जनरली बाहर से आए हैं तो हमारे शूज मिट्टी वाले हैं, तो ये आइलैंड पे सख्त मना है कि हमारी मिट्टी भी आइलैंड पे नहीं जानी चाहिए, इसीलिए यहाँ से हमको पहले रब करना है। अभी देखेंगे अंकित भाई कैसे ऐसे बूट को साफ कर रहे हैं। नाइस। और उसके बाद ये मैट पे वो पैर किसने पड़ते हैं अच्छे से। तो अभी हम चल पड़े हैं, पूरा ट्रैक है ये आइलैंड का, और करीब से हमको 1 या 1.5 घंटा चलना पड़ेगा। ये पूरे आइलैंड की सफ़र यहाँ से स्टार्ट होगी। छोटे मोटे स्पीशीज भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आप लोग सभी जगह पे देखते रहना कि कहीं भी जगह पे कुछ भी मिले तो मेरे को इन्फॉर्म करना, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ। इसी तरह से मैं डिफरेंट प्लेस पे जाया करूँगा और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूजीलैंड की जो ब्यूटी है, कॉन्टेंट्स है, वो मैं मैक्सिमम देने की ट्राई करूँगा। अभी हम जो यहाँ पे आइलैंड पे खड़े हैं, वहाँ का जो इतिहास है वो ये कहता है कि ये कुपे करके जो पहला इंसान था वो ये आइलैंड पे आया था। okay. तो जब वो न्यूजीलैंड को खोज रहा था तब ये पूरा जो आइलैंड है उसके ऊपर वो पहला आया था। उसने यहाँ पे फायर बर्न किया था और वहाँ से उसके न्यूजीलैंड की जर्नी की शुरुआत हुई थी। थैंक यू। तो अभी ट्रैक करने के बाद ये लोग सारे थक गए हैं, तो अभी हम 1 by 1 सभी का अभिप्राय लेते हैं। कैसा लगा आपको? बहुत मस्त लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है। इसने साइन लैंग्वेज में बात की। ओके, आपको कैसा लगा? ये बेहतरीन, और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे और नाइट स्टे करने के लिए सोच रहे हैं। ओके, चलो फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक व्यूइंग पॉइंट है जहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है हमको। शायद से कोई मूवी का शूटिंग चल रहा है यहाँ पे। आपको पता ही होगा कि हम जहाँ पे जाते हैं तो खाना हमारे साथ होता है, तो ये लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है यहाँ पे। ऐसे व्यू पे खाना, आप देखो यहाँ कोई भी 5-star होटल में भी ऐसा व्यू लगा के खाना हमको नहीं मिल सकता है। ये सब लोग प्रिपरेशन क्या बनाना चाहते हो आप लोग आज? आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सैंडविच। आज हम बनाएंगे, हम सारा कुछ कच्चा डाल के बिना तले का भजिया खाएंगे। उसमें आएगा पोटैटो, ऑनियन, बीटरूट, टमाटो, कैप्सिकम, और उसके साथ लगाएंगे हम लाजवाब
और वो कहते थी चटनी। तो फाइनली हमारी सैंडविच यहाँ पे रेडी हो चुकी है। व्यू में आपको सैंडविच खाने की जो मजा आएगी वो कहीं पे नहीं आएगी। सैंडविच रेडी हो चुकी है और यहाँ लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप अपना अपना अभिप्राय दे दे रहे। कैसी बनी है सैंडविच गाइस? आपस बहुत बढ़िया लाल जवाब है यह सैंडविच। सब ने खाना खा लिया है तो अभी पूरा ट्रैक हम फिनिश करने जा रहे हैं। लाइट हाउस है, एक जमाने में जहाँ पे जब क्रूज यहाँ से गुजरती थी तब ये लाइट हाउस वर्क करता था, अभी भी करता है शायद, लेकिन शिप यहाँ से नहीं जाती है, उसका रास्ता भी दूसरा है। ये आप देख रहे हो लाइट हाउस। अभी वापस से हम रिटर्न जा रहे हैं और ये वेटिंग जोन है हमारी, फेरी वापस से 4:30 को आने वाली है। और ये देखो म्यूजियम है, सारा सब कुछ ओपन है। ये छोटे छोटे स्पीसीज का स्कल है, सब कुछ ओपन है। ये देखिए विंटेज चीजें है, ठीक है। ये बर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं, उसका ये स्कल है देखो, इसकी ये चांच है। हमारी फेरी अभी आ चुकी है, अभी हमको रिटर्न जाना है। यहाँ पे सुबह से जो लोग आए थे वो अभी सब लोग रिटर्न में जा रहे हैं, ठीक है। थक गए हैं सब लोग? चुका है और फाइनली प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।